मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। गोवा में जब ये भाषण दे रहे थे, मैं वो देख रहा था, उसमें उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा कि मैंने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। तो मुझे बहुत हंसी आई इस बात को। पहली बात तो ये मतलब हो गया कि आप देश के जनता को अपना परिवार नहीं समझते। दूसरी बात, आपने जब कहा कि मैं अपना घर परिवार छोड़ दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप गौतम बुद्धा जैसे राजा थे? राजपाट था आपका। गौतम बुद्धा जी ने सब कुछ छोड़ दिया लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, या आपके पास सुभाष चंद्र बोस जैसे आईएएस की डिग्री थी और गवर्नमेंट सिक्योर्ड जॉब था? सुभाष चंद्र बोस ने अपना सिक्योर्ड जॉब, आईएएस की जो नौकरी थी, वो छोड़ के वो पॉलिटिक्स में आए, फ्रीडम स्ट्रगल में आए। क्या आप नेहरू जी जैसे बैरिस्टर थे कि आपका पास बहुत सारा धन था कि नेहरू जी वो सब कुछ छोड़ के देश के फ्रीडम स्ट्रगल में आए और 3000 दिन ब्रिटिशों के जेल में रहे? आप कैसे अपने आप को कंपैरिजन कर सकते? सरहद में जो लोग मर रहे, आज 2 जवानों का गले काट के हत्या हुई, ये सब लोग अपने घर परिवार को छोड़ के सरहद में, धूप में, चाव में, ठंडी में मर रहे। आपने जब डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया, आप फर्स्ट क्लास प्राइवेट जेट में आप जापान यात्रा के लिए चले गए। आप प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े घर में रहते हो, कहाँ पे है बलिदान? किसान जैसे आप देश के लिए अनाज उगा रहे हो, या व्यापारी के जैसे आप काम कर रहे हो, ये रेलवे कर्मचारी, ये पुलिस, ये ऐसे आप मेहनत ले रहे हो, कहाँ पे आप हो? कहाँ पे आप आपकी बलिदान की बात कर रहे हो? लोगों को ये समझना चाहिए, ये आदमी अपने कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? सही जो देशभक्त है, सही जो लीडर है, वो हमारे ये सरहद में जो लोग फौजी है, पुलिस है, ये रेलवे कर्मचारी है, ये सब लोग अपना काम घर पार छोड़ के 24 घंटा ड्यूटी कर रहे। आपका जो बलिदान, बलिदान नहीं है, आप सुपर लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। आपके पास प्राइवेट जेट है, BMW 3.5 करोड़ की गाड़ियां है, ये क्या घर में आपका था कि आप कहते हो कि ये मैं छोड़ के आया? तो देश के जनता को गुमराह करना बंद कीजिए।